हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि गाइस हर एक न्यू सीरीज में गाइस हमें ओमनीट्रिक्स इतना चेंज क्यों देखने को मिला। या फिर गाइस आपने ये देखा होगा कि बेन 10 क्लासिक में जो एलियंस आते थे वो ओमनीट्रिक्स के अंदर आते थे, फिर एलियन फोर्स में क्या हुआ, एक होलोग्राम हमें दिखता था। अल्टीमेट एलियंस में भी हमें वही होलोग्राम ही वाला ओमनीट्रिक्स देखने को मिला। उसके बाद ओमनीवर्स में क्या हुआ, ओमनीवर्स में थोड़ा सा कुछ हमें डिज़ाइन में चेंज देखने को मिला और कुछ अलग तरह से एलियंस के फ़ोटो आते थे, और वहाँ पर बेन सेलेक्ट करता था घुमा के अपना डायल और वहाँ पर वो क्लिक करता था। तो यहाँ पर ओमनीट्रिक्स इतना चेंज क्यों हुआ, ये गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिर एजमत ने टाइम टू टाइम इतना चेंज क्यों किया। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इसे एंड तक देखते रहना। अब गाइस जो हमें बेन 10 क्लासिक वाला ओमनीट्रिक्स देखने को मिला वो एकदम सिंपल ओमनीट्रिक्स है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। उसमें से सिर्फ 10 एलियंस प्लेलिस्ट में डाले गए थे और ओमनीट्रिक्स का जो डिज़ाइन था वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, और इसके अलावा वो थोड़ा सा चौड़ा भी हमें लग रहा था। और गाइस उसका जो कलर है वो हमें ग्रीन एंड ब्लैक ही देखने को मिल रहा था पूरी तरीके से। एक बटन आ रहा था साइड में ओमनीट्रिक्स के, जिससे कि वहाँ पर वो क्लिक करता था और उसका जो डायल है वो ऊपर आता था। उसके बाद वो एलियन को सेलेक्ट करता था बेन 10 क्लासिक में और बेन वहाँ पर एलियन बनता था। एलियन फोर्स में क्या हुआ, एलियन फोर्स में जब ओमनीट्रिक्स मॉडिफाई होके एक न्यू डिज़ाइन के साथ आई तो वहाँ पर ओमनीट्रिक्स में एक होलोग्राम आता था जिसमें सिर्फ 10 एलियंस थे। बाद में जब मास्टर कंट्रोल अनलॉक हुआ तब बेन को नए नए एलियंस मिले और हमें कुछ नए नए एलियंस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया और साथ में कुछ ओल्ड एलियंस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था जैसे कि कैनन बोल। तो वहाँ पर जो होलोग्राम आता था वो भी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था, और होलोग्राम से ही गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था ओमनीट्रिक्स, क्योंकि होलोग्राम में एलियंस जो है वो और अच्छे से दिखते थे कि कौन सा एलियन हो सकता है। और गाइस अल्टीमेट एलियंस में क्या हुआ, अल्टीमेट एलियंस में भी सेम हमें होलोग्राम देखने को मिला, पर वहाँ पर अल्टीमेट एलियंस को क्या होता था, अल्टीमेट एलियंस बनने के लिए बेन को दोबारा अपने चेस्ट में अल्टीमेट्रिक्स को क्लिक करना पड़ता था और वहाँ पर वो अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। ओमनीवर्स में क्या हुआ, ओमनीवर्स में तो पूरा ही चेंज कर दिया गया। बेन सबसे पहले दो फिंगर को रखता है ओमनीट्रिक्स में, उसके बाद एक आता है गोल्ड टाइप का कुछ, उसको घुमा के एलियंस को सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर वो क्लिक करता है। यानी कि ओमनीवर्स का जो ओमनीट्रिक्स है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग रहा था और ओमनीवर्स का जो ओमनीट्रिक्स है वो थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिल रहा था। रिबूट का ओमनीट्रिक्स गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। रिबूट का जो ओमनीट्रिक्स है वो बेन 10 क्लासिक के जैसा ही है पर उस तरह से नहीं है। क्लासिक वाला जो ओमनीट्रिक्स था उसी तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन आपको बोल सकते हो, थोड़ा सा चौड़ा भी हमें देखने को मिलता है, पर एलियंस जो है वो न्यू है, जैसे कि हमें बेन 10 एलियन फोर्स और ओमनीवर्स में देखने को मिला था उस टाइप का कुछ हमें एलियंस देखने को मिला है रिबूट में। पर रिबूट का ओमनीट्रिक्स में उतना कुछ खास बात नहीं है जैसे कि मैं आपको बताऊँ। तो गाइस इतना चेंज क्यों हुआ, इसका पीछे एक आंसर ये है, जैसे कि गाइस बेन 10 के जो क्रू मेंबर थे वो खुद चाहते थे कि ओमनीट्रिक्स का डिज़ाइन बार बार चेंज हो, नहीं तो फिर ओमनीट्रिक्स एक जैसा लगेगा तो फैंस को उतना कुछ इंटरेस्ट आएगा नहीं। अभी देखो ओमनीवर्स वाला जो हमें ओमनीट्रिक्स देखने को मिला वो सबसे अलग था, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर का मिक्सर था, बाकी हमें हर बार ग्रीन एंड ब्लैक ही का मिक्सर देखने को मिलता था। ओमनीट्रिक्स जब हमें बेन 10 एलियन फोर्स वाला देखने को मिला सिंपल सा एक वॉच था, एक गोल्ड टाइप का आता था उसमें होलोग्राम। अल्टीमेट्रिक्स में क्या हुआ, अल्टीमेट्रिक्स थोड़ा सा हमें चौड़ा देखने को मिला और वहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स में कुछ और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया गया, जैसे कि बीच में एक बटन दे दिया गया जिससे कि वह आसानी से अल्टीमेट्रिक्स को उतारा जा सकता है। और क्लासिक वाला तो हमारा न्यू ओमनीट्रिक्स था, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ना ही बोले तो वही अच्छा है। टाइम टू टाइम मॉडिफाई करने से गाइस क्रू मेंबर को यह लगा कि फैंस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे शोज को, ताकि उनको ओमनीट्रिक्स पसंद आए और ताकि गाइस ओमनीट्रिक्स का जो मर्चेंडाइज भी है जैसे कि टी शर्ट्स आते हैं, बहुत सारे टॉयज आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बिकने लगे थे। इसलिए टाइम टू टाइम मॉडिफाई वो करते रहते हैं ताकि उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो गाइस आपको ये बात पता चल गया होगा, अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।